तो तैयार है हमारी पपीते की ग्रेवीदार सब्जी। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, स्वागत है मेरी वीडियो में। मेरा नाम है कुसुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए, हमने हाफ के जी पपीता ले लिया है। इसको हम काटेंगे पहले। सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, पर एक बार आप पपीते की सब्जी बना के खाएं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे इस तरह हम काट लेंगे इसको। इसका पहले हम छिलका उतार लेंगे। इस तरह बरसात के मौसम में आप ये सब्जी खाएं, पपीते को बना के, बहुत ही अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। आप महीने में एक दो बार ज़रूर बना के खाएं। तो यहाँ पे इस तरह हम सारे पपीते को छील लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारा पपीता छील लिया है। इसको हम थोड़ा मोटा ही काटेंगे। बनने के बाद ये नरम हो जाता है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे देखिए, हमने पपीता काट लिया है पूरा। इसमें हम डालेंगे पपीता। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। इसको हम फ्राई करेंगे ताकि जो इसका हरापन है वो ख़त्म हो जाए और सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आए। इसको अभी हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए, हमने पपीता फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। हमने तेल कढ़ाई में डाल दिया है। तेल बिल्कुल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 लौंग। साथ में 1/2 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा। और यहाँ पे हमने 2 प्याज ग्राइंड किया था और बीच में 5-6 लहसुन कलियाँ ग्राइंड किया है, इसमें डालेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से, जब तक प्याज ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे हमने 2 टमाटर ग्राइंड कर लिया है, इसमें डालेंगे और इसको चलाएंगे। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि जो टमाटर है थोड़ा हमारा पक जाए। अगर आपने कभी पपीते की सब्ज़ी नहीं बनाई है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको हम यहाँ पे, मैं टमाटर कम सेक पे पका रही हूँ क्योंकि टमाटर जो हमने ग्राइंड किया है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। यहाँ पे मैंने बिल्कुल गैस कम किया है। तो ये देखिए, टमाटर हमारे पक चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। इसको हम चलाएंगे।
इसमें हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भूनेंगे मसाले को अच्छे से। थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि जो हमने पानी डाला देखिए सूख चुका है ये। मसाले को आप अच्छे से भुनें तभी सब्जी में अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ पे पहले मैं सब्जी मसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि जो हमारा सब्जी है बहुत ही टेस्टी बने। अगर आपने कभी पपीते की सब्ज़ी नहीं बनाई है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि मसाला हमारा पक रहा है तो पानी सोख रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए हमने मसाले को 5 मिनट तक पका लिया है अच्छे से। अब इसमें हम पपीता डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। खुशबू अभी बहुत अच्छी आ रही है। हमने मसाले को अच्छे से पपीते में पूरा मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे हम डालेंगे 1 गिलास क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं। इसको हम अब ढक देंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है। देखिए बहुत अच्छी बनी है, कलर कितना अच्छा है देखिए है। हमने इसको 20 मिनट तक पकाया है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इसको हम 1 मिनट तक छोड़ देंगे। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी पपीते की ग्रेवीदार सब्जी। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।